देखिए अभी अभी तो सरकारी बनी, बोले तो फर्स्ट कैबिनेट में ही हम रोजगार देंगे, देखिए क्या करते हैं। देखिए 10 लाख, सबसे पहले बता दें कि 10 लाख रोजगार की बात नहीं, 10 लाख सरकारी नौकरी की बात कही गई थी, तो 10 लाख की बात तो हम नहीं करेंगे, हम अपनी हक की बात करेंगे। तो अब हम लोगों को उनके बातों का इंतजार है कि वो। आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल TD न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, TD न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। अभी मौजूद है हम गर्दनी बाग धरना स्थल पर। सीटेट के अभ्यर्थी लगातार कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक तरफ बिहार में है जो NDA का सरकार टूटकर महागठबंधन की सरकार बन गई है। आइए अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं कि महागठबंधन के सरकार से अभ्यर्थियों को कितना उम्मीद है, क्या इस बार कई विपक्षी नेता आए हुए थे इन लोगों से मिलने के लिए, बताइए महागठबंधन का सरकार बन गया है बिहार में, आप लोग क्या उम्मीद है? सबसे पहले TD न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब हम लोग का ये धरना चल रहा है, ये तीसरा आंदोलन का 10वां दिन है और सरकार भी बदल गई है, नया गठबंधन से नया सरकार बनने जा रहा है। जैसा कि आप पूछे हैं कि नए सरकार से उम्मीद कितना है, तो RJD के द्वारा 15-20 विधायक यहाँ हम लोग से मिलने के लिए आए हैं और टोटल विधायक बोले हैं कि आप लोग के समर्थन में, पूर्ण समर्थन में हैं, तो लग रहा है कि इस बार पार हो जाए। हाँ, जैसा कि माननीय नेता तेजस्वी यादव बोले थे 2020 में कि 10 लाख नौकरी रोजगार देंगे, तो वो समय आ गया है, वो आवाज़ हम लोग का आवाज़ 10 लाख वाला वो विधानसभा में आवाज़ बनकर जाने वाला है। तो इस आधार से अगर देखा जाए तो हम लोग का समर्थन पूरी तरह से मिलेगा, बहुत जल्द मिलने वाला है। क्या कहेंगे, क्या लग रही है, पार हो जाना है, इस पार हो जाएंगे आप लोग महागठबंधन का सरकार? हाँ, इस पर पार होने को उम्मीद है, क्या है कि महागठबंधन सरकार बना पहली, और नीतीश तेजस्वी जी बोले थे कि पहली कैबिनेट में हम लोग 10 लाख रोजगार देंगे, उसमें टीचर का भी बोले थे 3-4 लाख टीचर का सीट खाली है। कहते हैं कि जो तेजस्वी जी की युवा का सरकार, मतलब युवाओं के लिए ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं, तो इस बार कन्फर्म पार हो जाएगा? देखिए अभी अभी तो सरकारी बनी, बोले थे फर्स्ट कैबिनेट में ही हम रोजगार देंगे, देखिए क्या करते हैं। तो अब महागठबंधन का तो सरकार बन गया है, लेकिन अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं, बताइए महागठबंधन का सरकार बन गया है, तेजस्वी जी ने 10 लाख रोजगार की बात किया था, तो क्या लग रहा है इस बार पार हो जाना है? देखिए 10 लाख सबसे पहले बता दें कि 10 लाख रोजगार की बात नहीं, 10 लाख सरकारी नौकरी की बात कही गई थी, तो 10 लाख की बात तो हम नहीं करेंगे, हम अपनी हक की बात करेंगे, जिसके लिए हम लोग 1 तारीख से 1 अगस्त से यहाँ अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हैं। तो आपको भी पता होगा, आप भी लगातार निरंतर हम लोग से जुड़े हुए हैं, प्रत्येक दिन यहाँ आने का काम करते हैं। तो जब अभी आज जो है माननीय तेजस्वी यादव जो है उप मुख्यमंत्री पद पर जो है उसके लिए शपथ ग्रहण किए हैं, लेकिन इससे पूर्व में भी उनके कहने पर ही उनके कुछ माननीय विधायक लोग, विधायक हैं या फिर MLC थे या फिर कई गणमान्य नेता भी थे, वो लोग भी आए थे, तो वो लोग भी आकर हम लोगों को अपना समर्थन दिए थे और हमारी बात कर रहे थे कि जब हमारी सरकार होगी तो हम आपको रोज़गार देने का काम करेंगे। तो अब हम यही कहना चाहेंगे कि अब तो आपका जो आ गया है, सरकार आ गया है, तो अब जो बात आपने कहा था, जो वादा हम लोगों से किए थे, उसको पूरा करने का वक्त आ गया है और जल्द से जल्द हम लोग का प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी जारी किया जाए। क्या लग रहा है कि 10 लाख जो युवाओं को रोजगार देने का बात, नौकरी देने का बात किया गया? जैसे अभी भैया बोले ना कि 10 लाख रोजगार देने की बात नहीं है, उन्होंने कहा था कि जो कैबिनेट में आते ही पहली कलम से हम 10 लाख नौकरी देंगे यहाँ के छात्रों को, और वो केवल एक डिपार्टमेंट में वैकेंट नहीं है कि शिक्षा ही है, ऐसा कई सारा डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो अब हम लोगों को उनके बातों का इंतजार है कि वो कहाँ तक खड़े उतरते हैं, क्योंकि यहाँ दिसंबर 2019 से ही लोग सीटेट पास हैं और आगे जितना समय बीतेगा इसमें भीड़ बढ़ता जाएगा। तो अभी क्या है कि जो प्रायोरिटी है हम लोगों का, पहले कि हम लोगों का जो बहाली हो जाए, प्राथमिक बहाली, ये पहली प्रायोरिटी है। ठीक है, तो हम लोगों को वो 10 लाख नौकरी का इंतजार तो नहीं है, कम से कम बाकी डिपार्टमेंट का पता नहीं, लेकिन हमारे शिक्षा विभाग में जो हमारे विद्यालय का हाल खस्ता है उसको ठीक ठाक करने के लिए सर्वप्रथम वहाँ शिक्षकों का होना जरूरी है, क्वालिटी टीचर। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हम मौजूद थे गर्दनी बाग धरना स्थल पर और सीटेट के अभ्यर्थी थे हमारे साथ, बिहार में जो
महागठबंधन की सरकार जरूर बन गई है। अभ्यर्थी तेजस्वी यादव ने कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, फिर भी अभ्यर्थियों को उम्मीद है, विश्वास कंफर्म नहीं है कि क्या होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें टीडी न्यूज़। धन्यवाद।